आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 16.1 ML अग्रवाल मैथ्स क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। हमारा एबीसी इज अ ट्राइंगल इन विच एबी इक्वल टू एसी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें एबी और एसी की लेंथ जो है वो 4 है एंड एंगल ए इक्वल टू 90 और एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, ठीक है ना। तो एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब यहां पे 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस है 4, एसी और हाइट है 4, 2 1 2 2 2 4, 4 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो निकल आया इसका एरिया, यहां तक का आंसर आ गया। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी। अब ए से लेके बी सी पर जो परपेंडिकुलर गिरेगा ये वाला, ठीक है ना, इसकी लेंथ निकालनी है तो इसे एम मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ ए एम, है ना, लेंथ ऑफ ए एम, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगी लेंथ ऑफ ए एम, ये बेस है ना, इसे बेस ले लेंगे, मतलब ऐसे बना देंगे इसको, अब इसको अब ऐसे बना सकते हैं, ऐसे और ऐसे, ये ए है, ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। और यहां पर ये बी है, ये सी है, और बीसी के ऊपर ये एम गिर गई, ठीक है ना। ए बी जो है वो दी हुई थी हमें 4, एसी हमें दी हुई थी 4, एरिया हमने निकाल लिया 8, इसकी लेंथ निकालनी है ए एम की, इसे हम बेस ले लेते हैं, इसे हम हाइट ले लेंगे, है ना। और एरिया की जगह पर यही एरिया रख देंगे क्योंकि ट्राइंगल तो सेम है, एरिया सेम रहेगा, लेकिन उसके लिए हमें बीसी चाहिए होगी। अब बीसी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो बीसी के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर 90 डिग्री के सामने वाली कोई लेंथ होती है तो हम उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं, है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि एज बीसी इज हाइपोटेन्यूज, है ना। सो बाई पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं हम इसको, कि एसी का स्क्वायर, सॉरी बीसी, बीसी बीसी का स्क्वायर इक्वल टू एसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर, ठीक है। बीसी का स्क्वायर इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, ठीक है, आपको समझ में आ रहा ना। तो यहां पर जो है वो बीसी का स्क्वायर हो गया इक्वल टू एसी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 16, बीसी का स्क्वायर हो गया अंडर रूट 32। अंडर रूट 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, एक पेयर दो पेयर, तो ये आ जाएगा बीसी इज इक्वल टू 2 2 जा 4√2 सेंटीमीटर। तो बीसी क्या निकल कर आई, 4√2, क्या निकल कर आई, 4√2, ठीक है। अब बेस तो हो गई हमारे पास 4√2 और हाइट हमें एम निकालनी है, उसके लिए हमें क्या करना है कि एरिया ये इक्वल रख देना सामने। तो आप यहां तक जो है वो नोट डाउन कर लें, मैं इसके आगे का जो है वो इसका फाइनल एरिया निकालता हूं। 8 हमारा एरिया है और 4√2 हमारे पास जो है वो इसकी बेस आ गई, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, है ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। एरिया क्या है, 8 निकाला हुआ हमने पहले, है ना, 1/2 इंटू बेस क्या है हमारी 4√2, है ना, बीसी को हमने बेस ले लिया और हाइट क्या है एम, तो एम को हमने जो है वो एम ही रखा यहां पे, ए और एम, ठीक है। अब यहां पर 2 1 2 2 2 4 ये कट गया, तो 8 इक्वल टू 2√2 ए एम आ गया और ए एम इक्वल टू 8/2√2, ठीक है। ये 2 से जो है वो ये 4 कट गया, ठीक है। तो ए एम क्या निकल कर आई, 4/√2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये जो है वो इसका आंसर हो गया कि परपेंडिकुलर जो गिरा वो 4/√2 सेंटीमीटर का था, ठीक है ना। यहां से ये 2 को 4 से काट दिया, ठीक है ना, या यहां पे 16 हो जाता या 4 नीचे आ जाता, बात तो फिर भी वही थी। अगर हम इसको यहां से 16 कर लेते क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाता 16 इज इक्वल टू 4√2 ए एम और ए एम इक्वल टू 16/4√2, है ना। तो ये 2 से ये 4 से 4 कट जाता, तो 4/4√2 ही आता,
तो इस तरीके से जो है वो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।